मेरे ख्याल में 5 मिनट रुक जाएं, ये अभी तो होगा नहीं, लाइव जाएगा नहीं। अच्छा कौन? अच्छा जैसे आप बेहतर समझे शुरू करो। चल बिस्मिल्लाह। अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद इलेक्शन 2021 में कामयाब होने वाली बॉडी का के सदर काशिफ अब्बासी को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। मैं देर से आने की माजरत चाहता हूं, वज़ीर आज़म ऑफिस में थोड़ी मीटिंग तवील हो गई थी। आज की जो वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग थी वो बंडल आइलैंड और रावी सिटी के बारे में थी। रावी सिटी में बहुत तेज़ी से इस वक्त काम जारी है और उसकी लैंड एक्विजिशन तकरीबन 60% के करीब हो चुकी है। उसमें बड़ी स्पीड से बड़ी तंदेही के साथ उसमें काम जारी है और ख्वाहिश वज़ीर आज़म की है कि बंडल आइलैंड रावी से ज़्यादा तेज़ी के साथ उभरे और उसके ऊपर काम शुरू हो। हमारी एक चीज़ तो ये क्लियर करता चलूँ कि ये कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है। इसको किसी इस नज़र से ना देखें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। ये वज़ीर आज़म का विज़न है कि वो 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। इस्लामाबाद के बाद ये पहला शहर होगा जो आबाद होने जा रहा है और इंशाल्लाह हम इतनी तेज़ी इसमें दिखाएंगे कि रावी को हम पीछे छोड़ देंगे। इसमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमारा रावी के साथ होगा। इसमें इन्वायरमेंट एंड इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के ऊपर ख़ास तवज्जो रखी गई है। IUCN और USBGC इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर साथ हैं और वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके वज़ीर आज़म को पेश करेंगी। एनवायरनमेंटल स्टडीज़ ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंशन जो मैंग्रोव्स की है, जो उसके गिर्द कुदरती जंगल है मैंग्रोव्स की सूरत में, उसकी नेचुरल हैबिटेट को बरकरार रखा जाएगा। उसमें जितनी इस वक्त कुदरती तौर से वहाँ पे जो बर्ड्स हैं या उसके अंदर फिशेस हैं या उसके अंदर जो समुद्री जानवर वहाँ पाए जाते हैं, उनको बग़ैर ख़राब किए उनकी हिफाजत के साथ इसको चलाया जाएगा। इसकी जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं फॉर इको लाइफ, वाटर क्वालिटी, एयर एम्बियंट और जो पोल्यूशन एरियाज़ हैं उसको भी खातिर ख़्वाह मद्देनज़र रख के इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके अंदर भरपूर किस्म से यानी पाकिस्तान का पहला ऐसा शहर होगा जिसका एक जामे मास्टर प्लान के साथ इसको वहाँ पे बनाया जाएगा। हम इस वक्त रॉ सीवेज समंदर में फेंक रहे हैं। जो ये आइलैंड है बंडल आइलैंड, इसके अतराफ़ में मछली नहीं आती क्योंकि इतना गंद और गंदा पानी वहाँ पर जमा है कि जिसकी वजह से जो समुद्री हयात है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। हम इस पानी को साफ़ करेंगे। मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स ने वहाँ पे पूरा मंसूबा बना रहे हैं। इसमें क्लीन वाटर वहाँ पे होगा। इसके अंदर ये बनने के साथ ये कोई ऐसा नहीं होगा कि ये जो हमारा जजीरा है बंडल आइलैंड, ये उठा के इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। ये बंडल आइलैंड सिंध का ही हिस्सा रहेगा। सिंध में तकरीबन इस आइलैंड के आने से 1.5 लाख नौकरियों का इजाफा होगा। इसमें जॉब क्रिएशन होगी और इसके अंदर तकरीबन 40 से 50 लाख टूरिस्ट सिंध में आएंगे एक बार ये आइलैंड अगर डेवलप हो जाता है तो। उस वक्त इसमें जो सेलियंट फीचर्स हैं, इसकी तमाम रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जाएगी। वफाक का सिर्फ इंटरेस्ट इतना है कि अगर ये आइलैंड डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर तकरीबन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी इस आइलैंड के ऊपर, जो कि खतीर रकम है। और इस रकम से ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त ज़रूरत है डॉलर की, वो उस कमी को पूरा किया जा सकेगा, तरक्की की तरफ गामजन होगा मुल्क। उसके अलावा जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है, जिस तरह कराची ने एक्सपेंड किया है बग़ैर मास्टर प्लान के, बग़ैर सीवरेज लाइन के, बग़ैर रेन वाटर के
रेन वाटर ड्रेन के, जिस तरह कराची ने एक्सपेंड किया है, उसकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए भी कराची के साथ एक और नए शहर की ज़रूरत है जिसको ये आइलैंड पूरा करेगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का मैंने आपको बताया, डीसेलिनेशन प्लांट इसमें हम लगा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट विद कनेक्टिविटी टू कराची थ्रू टू ब्रिजेस। अच्छा, ये जो ब्रिज हैं ये कराची में डिफेंस से इसको शुरू कर रहे हैं, और ये जैसे ही ये ब्रिज बनना शुरू होगा, इन आइलैंड्स की बिल्कुल जो आज जो इनकी हैसियत है वो यकसर तब्दील हो जाएगी। इसके ऊपर तमाम दुनिया से इस वक्त लोग वज़ीर आज़म हाउस में और हमारे गवर्नर हाउस में मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स से राबते कर रहे हैं कि वो आना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें जो हार्बर फिश मार्केट और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी जो फिशरमैन के लिए बनाई जा रही है वो स्टेट ऑफ आर्ट होगी। ऐसी फैसिलिटी अभी तक पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। लोगों ने खुद से तो इसके ऊपर कुछ काम किया है, थोड़ी थोड़ी कंपनियों ने, लेकिन ये पहली बार एक जामे मंसूबे के तहत फिशरमैन को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके रोज़गार में इजाफा करने के लिए, पाकिस्तान की फिशरी को एक्सपोर्ट को हेल्प करने के लिए एक बड़ा मंसूबा वहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे राइट ऑफ एक्सेस टू द फिश मार्केट, अगर आज हमें फिश मार्केट जाना हो तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको वहाँ जाने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, और वहाँ मौजू बंदोबस्त जो होना चाहिए एक इतने बड़े कोस्टल आइलैंड सिटी के साथ वो मौजूद नहीं है, तो ये उसको भी प्रोवाइड करने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जो इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं तकरीबन 50 बिलियन डॉलर इसके अंदर, US डॉलर इसके अंदर आएंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसको देख रहे हैं और इंटरनेशनल फर्म्स कंपनीज भी इसको देख रही हैं। कई कंपनीज ने ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर साहब से रबते में हैं, जिन्होंने रबता किया है, जिनको हम बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग के ज़रिए हम उनको लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसमें इमरान खान का ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान का वहाँ मकान नहीं बनने जा रहा उसके अंदर, इमरान खान का कोई प्लाट उसके अंदर नहीं होगा, अली जैदी का कोई प्लाट उसमें नहीं है। ये खालिसतन पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये दो बनाए जा रहे हैं शहर नए, रावी रिवर सिटी और बंडल आइलैंड। अगर हम बंडल आइलैंड जी, अगर ये बंडल आइलैंड टेक ऑफ कर गया, इससे सिंध की जो इस वक्त इक्तसादी सूरत हाल है, जो रेवेन्यू की पोजीशन है, उसमें बेपनाह इजाफा होगा। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सिंध हुकूमत के साथ मिल के एक जॉइंट वेंचर करके इसको बनाएं, और मैं सिंध हुकूमत ने अब तक बड़ा इसका साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने आज टास्क दिया है कि मैं इस आइलैंड अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ, अली जैदी भी होंगे, और मैं वज़ीर आला सिंध से इस पर मुलाकात भी करूंगा, और अगर इसमें कहीं भी कोई रिजर्वेशन हमारे सूबे सिंध को आ रही है या सिंध की हुकूमत को आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेला वफाक नहीं इसको बना सकेगा जब तक सूबा साथ नहीं देगा। पंजाब में इसकी तेज़ी की वजह ये है रावी रिवर सिटी की, कि उसमें सूबे के जो लोग हैं, सूबे की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो साथ दे रही है। सूबाई हुकूमत ने उसमें जज कर लिया है कि उनको कितना रेवेन्यू और कितना फ़ायदा इससे होने वाला है, जो कि शायद हमें अभी सिंध हुकूमत को मज़ीद हमें उनको एलेबरेट करके बताना पड़ेगा कि सिंध का कितना बड़ा इसके अंदर एडवांटेज होने वाला है। हमारे कुछ फिशरमैन को वहाँ पे तहफ़ात थे जिनको दूर कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम सबसे बड़ी फ़िश मार्केट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हार्बर फिश मार्केट, जिसके अंदर जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसके अंदर जदीद तर्ज पे वहाँ से पाकिस्तान की फ़िशरी को एक्सपोर्ट मिलेगी, और वर्किंग ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स जो है वो एक तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ सिंध हुकूमत और वफाक बल्कि जिसके अंदर फिशरमैन भी होंगे, जिसके अंदर जो इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, इसके अंदर फाइनेंशियल कंपनीज जिसके अंदर होंगी शामिल, और इसको खुल के किया जाएगा। अब तक जो स्पेकुलेशन बाज़ार में चलती हैं कि जी फलाने के लिए ये काम किया जा रहा है, फलाने के लिए काम किया जा रहा है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये 100% ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। ये किसी एक कंपनी या दो या चार कंपनियों के लिए काम नहीं हो रहा, ये काम खालिसतन पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए हो रहा है। जब इस्लामाबाद शहर बना था तो उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। आज जब ये दो शहर बनने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक और मज़ीद एक लेवल के ऊपर जाएगी, जिससे रोज़गार में इजाफा होगा,
किसी को इनसिक्योर इससे नहीं होना चाहिए कि जी ये वफाक आके कब्जा कर रहा है किसी चीज़ पे, कब्जा किसी चीज़ पे नहीं किया जा रहा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि बंडल आइलैंड सिंध का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा रहेगा, सिंध में ही रहेगा। बंडल आइलैंड को उठा के इस्लामाबाद के करीब ला के नहीं बसाया जा रहा, वहीं पर रोज़गार में इजाफा होगा। तो लिहाजा जो इस वक्त सिंध में कमी है टूरिज्म की, जहाँ टूरिस्ट सिंध में सिंध की तरफ नहीं आते, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ आते हैं, उससे ये टूरिज्म अट्रैक्शन भी होगी बहुत बड़ी, क्योंकि एक जो वाटर लाइन पाकिस्तान के पास है कोस्टल लाइन, उसका खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा, तो उस खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, तो फाइनेंशियल फ़ायदा इस सूरत में बंडल आइलैंड की सूरत में इंशाल्लाह वो उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली। अच्छा जी, मैं दो तीन बातें थोड़ा क्लियर और कर दूँ कि जो भी डेवलपमेंट अगर होनी है तो वो तो सूबे के लिए होनी है, मैंने वो कोस्ट लाइन जो है, या अगर सिंध की हो या बलूचिस्तान की हो, अगर वहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो वो जो जो सूबे के लोग हैं, जो सिंध के लोग हैं, वो उनका फ़ायदा होगा। मैंने इस्लामाबाद में रहने वाले का या लाहौर में रहने वाले का या पेशावर में रहने वाले का वो उतना फ़ायदा नहीं होगा जो सिंध में रहने वाले का होगा, क्योंकि ये सिंध का हिस्सा है कराची, और कराची के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स में आता है। ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि जो 1973 में पोर्ट कस्टम अथॉरिटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, 1973 में तो इमरान इस्माइल शायद आप गवर्नर नहीं थे मेरे ख्याल में, मैं भी नहीं था उस वक्त वजीर, छोटे थे शायद, मैं क्लास वन में था। तो 1973 में पोर्ट कासिम अथॉरिटी जब बनी थी उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए थे, उसके कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, जजीरे बहुत सारे आते हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के बाहर हैं, कुछ उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि DHA फेज 8 जो है उसका भी बड़ा हिस्सा पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अंदर आता है, और पोर्ट कासिम अथॉरिटी से उन्होंने लीज की हुई है जमीन और रेंट पर आए DHA ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी को, और इसी तरह KPT को भी बनाया क्योंकि कुछ हिस्सा KPT में आता था। तो ये फेडरल कोऑर्डिनेट्स जब बने थे तो ये फेडरल के अंदर। अब आ जाइए 18वीं तरमीम के ऊपर। 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 172 है वो ओनर लेस प्रॉपर्टी की बात करता है, माने वो प्रॉपर्टी जिसको कोई क्लेम नहीं करता, जिसके ऊपर कोई क्लेमेंट ना हो, जो जिस जिस जो किसी के पास ना हो। बिल्कुल वो बात ठीक है कि अगर अगर कोई चीज़ जो क्लेम नहीं होती वो सूबे की है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये तो क्लेम्ड है, और क्लेम्ड ऐसा है कि इसके ऊपर जो पहले भी लीज इशू की हुई है, एक लीज के तहत वहाँ पे कुछ नेवी भी है, नेवी की फोर्सेज, वो लीज पोर्ट कासिम ने इशू की हुई है नेवी, और पहले भी इसकी NOCs दी गई थी। तो ये जो इतना बड़ा एक बना दिया है इसको इशू, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सारे सिंध के लोगों से कि इमरान इस्माइल साहब गवर्नर साहब हो गए या हम हो गए, हम भी सिंध के बेटे हैं, हमने वो इसी शहर में कराची में पैदा हुए, वहीं पले बड़े हैं, हमारा इंटरेस्ट है सिंध का और कराची का। और ये जो एक एक क्रिएट किया जा रहा है तासुर के जी हमने कोई इसमें कोई पता नहीं क्या हो कब्जा हो रहा है, कि इतनी ट्वीट कर दी थी उस दिन चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने, कि जी पता नहीं कश्मीर और क्या हो गया। इतना इसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। नौकरियां मिलेंगी अगर इंशाल्लाह, जब कंस्ट्रक्शन अगर वहाँ जब शुरू होगी तो उसके बाद जब एक शहर आबाद होगा तो नौकरियाँ तो वहीं के लोगों को मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट उनकी क्रिएट होगी। डीप सी फिशिंग मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के अंदर है, 12 नॉटिकल माइल जो आपका टेरिटोरियल वाटर होता है, ये समझने की बात है, 12 नॉटिकल माइल से लेके कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो तकरीबन 250 किलोमीटर, अगर आप 250 नॉटिकल माइल तक, वो है हिस्सा वो आता है फेडरल के पास 18वीं तरमीम के बाद भी। तो हमें पता है कि वहाँ फिशरमैन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 550 जैसे गवर्नर साहब ने आपको बताया, और मैं पिछले 2 साल से कई सैकड़ों दफा कह चुका हूं, तकरीबन 500 से 550 मिलियन गैलन गंदा पानी अनट्रीटेड सुवेज वो रोज हम समंदर में फेंक रहे हैं। अगर आप कराची जाएं तो आपको पता चलेगा कि समंदर का रंग जो है वो पोर्ट से और कितने आगे नॉटिकल माइल तक जाएं तो वो काला रहता है। उसके अलावा तकरीबन 5000 टन हर रोज 5000 टन सॉलिड वेस्ट वो अनट्रीटेड पानी में फेंक दिया जाता है, और बारिश होती है तो वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो नालों में से जो पानी लेके जाता है वो बहा के ले जाता है
आपको सपोर्ट ही नजर नहीं आता, कचरा कचरा नजर आता है और हम सफाई कर कर थक गए। इन सारों की ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं ताकि ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बने, टॉप दुनिया की। बाहर के मुल्कों में आइलैंड्स नहीं डेवलप हुए हैं, आप यूरोप पूरी दुनिया में आइलैंड्स नहीं डेवलप हुए हैं। आप चले यूरोप छोड़े दुबई चले जाए, दुबई ने तो बनाए हैं आइलैंड्स डेवलप करने के। था क्या क्या दुबई फिशिंग विलेज और ट्रेडिंग विलेज, और वो आज आप देखें कि वो दुबई ने आइलैंड्स नहीं बनाए क्या। इसकी पूरी इन्वायरमेंटल स्टडी होनी है, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और इतना बड़ा हवा खड़ा हो गया, सो जस्ट आराम से रिलैक्स। और जहां तक सिंध गवर्नमेंट की बात है, मैं उस दिन मुर्तजा की इतफाकन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हमने कहा जी हम फवाक से बात करने को तैयार है तो हम भी बात करने को तैयार है। अभी हमने कराची जो पैकेज किया है इतना बड़ा 1.13 ट्रिलियन का, उसमें क्या हम सिंध हुकूमत के साथ बैठ के बात नहीं की हमने? सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए खास तौर पे अगर कोई बेनिफिट कर रही है, कोई चीज़ अच्छी हो रही है, तो हम बात करने को तैयार है। अब वो K4 का मंसूबा पूरा वफाक कर रही है तो वो इस्लामाबाद को पानी दे रही है कि कराची को पानी दे रही है? कराची के लिए पानी का मंसूबा वफाक ने ले लिया पूरा, KCR का इशू था वो वफाक कर रही है। वो ये कराची के अंदर वो सर्कुलर रेलवे चलेगी ना, उसमें कुछ लाहौर के लोग तो नहीं बैठने लगे हो सर्कुलर रेलवे में? हाँ वो जरूर जाके बैठे, कराची जाए तो बैठे, लेकिन वो कराची से कनेक्ट नहीं, लाहौर से तो नहीं कनेक्ट। ये सारे मंसूबे सिंध के लिए ही हम ठीक करना चाहते हैं। हम तो हेल्प करने के लिए बैठे हैं ताकि तरक्की हो पूरे पाकिस्तान की, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंस, जो भी नजरियाती या सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट में सारों को साथ मिलकर करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं कई देख रहा था कि इधर के अखबारों में, बाहर के अखबारों में भी चला गया, वो आज हिंदुस्तान टाइम, उनको क्या फर्क पड़ रहा है जी? हिंदुस्तान टाइम को क्या जरूरत पड़ी है इसके ऊपर? उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। देखिए आज से 35 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं था कि दुबई जो आज है, वो आज से 35 साल पहले किसी का विजन नहीं था। वो एक आदमी ने विजन किया, उसको विजनाइज किया, उसका प्लानिंग की और आज जो दुबई अपनी जगह है दुनिया पे, दुनिया में खूबसूरत तरीन जगह में से दुबई है, ये वही विजन है। ये आज जो हमें एक उजड़ा हुआ वहाँ पे नज़र आता है जो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है बंडल आइलैंड, ये दुबई को भी बीट कर देगा इंशाल्लाह, ये इकोनॉमी में दुबई को बीट करेगा। एक हेल्दी कंपटीशन की हम तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि मीडिया से ख़ास तौर से कि इसको पॉजिटिव एंगलिंग की तरफ से देखें। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त और जामे मनसूबा है जो वज़ीर आज़म साहब करने जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वज़ीर आज़म साहब इसका जल्द कराची आके इफ्तिताह भी करेंगे। जो रिजर्वेशंस हैं सारे इदारों की चीज़ों की वो हम दूर कर लेंगे और उसके बाद जब ये एक बार शुरू हो जाएगा ना, ये ब्रिज बनना शुरू हो जाए, फिर आपको नज़र आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है। ये इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशनिंग है दुनिया में उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंशाल्लाह। इमरान साहब ये बताइएगा कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आप महंगाई के हवाले से कोई तबादला क्या हुआ और जो मंसूबे आप बता रहे हैं ये कब से शुरू होंगे और कितनी लागत इनके ऊपर आएगी? पहले महंगाई का मैंने आपको बताया जी, देखिये महंगाई नंबर वन तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। नंबर टू कि वजीर आजम साहब इंतहाई सीरियस हैं इस वक्त, जो शुगर और वीट की होर्डिंग हो रही है उसके ऊपर वो बहुत सीरियस है और वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़े इफेक्टिव स्टेप्स भी लेंगे। ये मंसूबे का मैंने आपको बताया कि इस मंसूबे से तकरीबन 50 बिलियन डॉलर की आमदनी जो है वो मुतवक्को है। 50 बिलियन डॉलर आप सोचें कि हमें, हमारा जो इस वक्त फिजिकल डेफिसिट है और जो हमारी चीज़ें हैं वो तो उससे बहुत पीछे रह जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक लीप जंप पाकिस्तान को मिल रहा है। देखिए पोर्ट कासिम मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया, पोर्ट कासिम अथॉरिटी जब बनी थी 1973 में जब उसके एक्ट बना तो उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हुए, नक्शा बनाया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्ट कासिम की अथॉरिटी की जगह है। ये बंडल आइलैंड या और ऐसे बहुत सारे आइलैंड वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी की के अंडर आते हैं। अब पोर्ट कासिम अथॉरिटी हो गया, KPT हो गई, या गवादर हो गया, ये फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो फेडरल की ही ओनरशिप है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद
आर्टिकल 172 जो है उसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन हो तो आप पढ़ लें, वो बात करता है ओनरलेस प्रॉपर्टीज, उसका हेडिंग ही है ओनरलेस प्रॉपर्टी, माने कि ऐसी कोई ऐसा कोई भी एसेट, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी कोई क्लेमेंट ना हो। कुछ आइलैंड्स हैं जिनका कोई क्लेमेंट नहीं है, वो उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अब ये तो ओन्ड है तो ओनरलेस तो नहीं हुआ, और इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि इसके ऊपर जो लीज भी दी गई है पहले, जो नेवी को, पाकिस्तान नेवी को लीज दी गई हुई थी, वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने दी थी, और इससे पहले भी तो आपने एनओसीज इशू की थी इसके ऊपर, दो दफा पहले भी कर चुके हैं आप। सो देयरफॉर ये इतना हवाना बना है पॉलिटिकल नजर है डेवलपमेंट की तरफ। अली अजीज साहब, आपसे ये सवाल है सर, कि जाहिर है ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि कराची को बेहतर कर रही है, जो भी हालात कराची में रहे हैं। सवाल ये सर कि हुकूमत को अभी दो साल हो गए, तो अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा इतिहाद बना लिया है, और उनकी कोशिश ये है कि वो पहले मरहले पे आवाम के पास जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे। क्या हिकमत अमली है हुकूमत की, कोरोना की लहर भी दोबारा शुरू हो रही है, क्या ऐसी एक्टिविटीज अलाउ की जाएंगी शहरों के अंदर बड़े जल्द की, दूसरी तरफ चूंकि वायरस बहुत बढ़ रहा है। देखें जी, दो आपने सवाल किए हैं, एक आपने पॉलिटिकल सवाल किया है कि जी वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और दूसरा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल किया, दूसरा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव का है कि जी कोरोना को कैसे आप हैंडल करें। पहली बात है कि अगर सारे इकट्ठे हो रहे हैं और अगर किसी ने करना है, कोई जो मर्जी करना है, वो तो जमहूरी अमल है, वो उनका हक है, वो करें, स्वाबिस में ला करें, हम तो नहीं करें जी, प्रोटेस्ट करें, अभी वो ये हम जमहूरी लोग हैं, करें बिस्मिल्लाह करें। जहाँ तक कानून की बात है, जो कानून ने एक्ट करना है, अगर किसी के ऊपर केसेस बने हुए नहीं बने हुए क्या, वो कानून अपना रास्ता। हम तो खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की पहले दिन से एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि इंटरफेरेंस नहीं है, बल्कि वो उल्टा प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई आपके पूछे कि सर ये करो, बोले तुम अपना काम करो, जाके मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बट फॉलो द लॉ, जो कानून बना हुआ बना हुआ। जहां तक आ गए आपने कोरोना का, कोरोना के एसओपीज बने हुए हैं, वो एसओपीज में रहते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि यही सवाल अगर मैं रखूं कि क्या पंजाब नाकाबिल इस्लाह हो चुका है जो वहाँ पे नया शहर बन रहा है। नए शहर का इस्लाह, आप इस दूसरे शहर के इस्लाह से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। नया शहर बड़े बड़े मुल्कों में बसाए गए हैं, और नए शहर जब भी बसाए जाते हैं जब आपने इकॉनमी को बूस्ट देना होता है, तो लिहाजा इसका जो कराची पैकेज है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद है। बल्कि वज़ीर आज़म साहब सिंध के दूसरे अजला के लिए भी मजीद पैकेजेस का इस वक्त सोच रहे हैं, तो ये इसका उससे मिक्स ना करें। ये एक प्योरली इकोनॉमिक वायबल वेंचर की तरफ जा रहे हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग शहर की इस्लाहात का मामला है। मैं आपको चीज इसमें ऐड कर दूँ। देखें, पहले आप जो भी दुनिया में इंटरनेशनल आप कहीं भी देखें, जो भी शहर होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो हमेशा होती है इनवर्ड, माने शहर का एक सेंटर होता है और उसके बाद एक दूसरा इलाका शहर के सेंटर से दूर आबाद किया जाता है और उनको कनेक्टिविटी दी जाती है, तो एक और इलाका आबाद हो जाए। जैसे अगर आप दुबई की मिसाल देख ले, तो दुबई तो सिर्फ डेरा था, डेरा के बाद एक दूसरा आइलैंड जब वो बर दुबई, जैसे पार दुबई था, वो बर दुबई आबाद हुआ, उसके बाद वो मरीना ले गए, वो सब रेगिस्तान के बीच में, अब वो मरीना एक और सेंटर बन गया। इसी तरह कहीं भी दुनिया का कोई शहर ले लें, हमेशा शहर आउटवर्ड से इनवर्ड ग्रो होता है। हमारे यहाँ सैडली कराची में, क्योंकि जैसे गवर्नर साहब ने कहा पहले कि कोई प्लानिंग नहीं हुई ओवर द डेकेड्स, सदियों से या इतने साल हो गए, तो वो हमारी ग्रोथ कराची की नीचे से ऐसे करके हुई है, तो वो सारा का सारा जितना था वो सारा का सारा डाउनटाउन कराची जो तबाह हो गया, वो जो पुराना जो खारादर था फॉर एग्जांपल, वो सारा वो जो ट्रेडिंग हब, वो ट्रेडिंग का इलाका था पोर्ट केपीटी के लिए। आपको बताऊं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने या दूसरा जो नोटिफिकेशन साइन किया गवर्नर जनरल बनने के बाद, वो चेयरमैन केपीटी के लिए किया था, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है। सो एक पोर्ट्स का एक बड़ा दुनिया भर में एक बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी शहर के बड़ा रोल होता है, उस रोल को अब हम उजागर। अली, 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 ये दो सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, एक आपसे बंडल आइलैंड के हवाले से पूछूंगा कि ये प्राइवेट इन्वेस्टर से कौन सी प्राइवेट पार्टी से आपको बातचीत हो रही है, कौन कौन से इस पे काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट दे रहे हैं, और गवर्नर साहब इत्तेहादियों से और एमक्यू और दीगर जो जीडीए से मुलाकातों में आप भी उसको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आपकी
देखें जी, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारी करनी है, ग्रुप बनाना है, कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर हो, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, बात तो सबसे करनी है। ये कोई एक तो नहीं कर रहा इतना सब। मुझे पता है पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 50 बिलियन नहीं है, तो कोई एक आदमी तो कोई एक कंपनी तो नहीं करता। इट इज गोइंग टू बी इसके प्रॉपर जोनिंग होगी, एनवायरमेंटल स्टडीज के बाद वो ऐसा ऐसा करके वो डेवलप हो जाएगा। 2-3 साल में नहीं होने लगा, टाइम लगेगा। और सबसे बात होती है, सबसे बात करनी चाहिए। दूसरा सवाल गवर्नर साहब आपको जवाब साथ ही ले लें। गवर्नर साहब ये अभी जो एक ये पॉलिटिकल सवाल ले लें, साथ ही ले लें। वजीर आजम साहब के साथ अभी जो आपकी मुलाकात हुई, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें एक आईलैंड अथॉरिटी के चेयरमैन भी वहाँ पे थे, उनका नाम तो पहले नहीं आया कि चेयरमैन कौन है। दूसरा ये कि जो अली भाई ने लेटर जो है शेयर किया था, वो सिंध हुकूमत विड्रा कर चुकी है जो पाक को लिखा था, और ये आर्टिकल्स लाने की क्या जरूरत थी? अगर ये इतना साफ शफाफ था तो ये जिसके रिएक्शन हुआ है कि ये अगर ट्रांसपेरेंट था तो आर्टिकल्स का क्यों लाया? देखिए, जो चेयरमैन की आपने बात की, वो अभी एक्टिंग चेयरमैन है, इमरान साहब, इमरान अमीन साहब, और अभी मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और जब उनकी बाकायदा हो जाएगी तो वो आपसे मुखातिब भी होंगे, आएंगे भी आपसे बात करें। दूसरी बात ये कि ऑर्डिनेंस इस वक्त क्योंकि असेंबली सेशन में नहीं है और उसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, ये बड़े स्पीड से ही मंसूबा निकल रहा है। जैसे ही असेंबली सेशन में आएगी तो उसको बाकायदा वहाँ से अप्रूवल ले ली जाएगी। जो आपने बात की कि NOC की कैंसिलेशन की, वो लेटर विड्रॉ किया है सिंध हुकूमत ने, सिंध हुकूमत से हमारी वफाकी लेवल पर बातचीत जारी है। मैंने आपसे कहा कि मैं कराची जा के सिंध वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी कर लूँगा और जो उनके इबाम या उनकी जो तहफ़ात हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। नहीं जी, मेरी उनसे कोई इस बारे में मुलाकात पॉलिटिकली, मैं पॉलिटिकली मुलाकात नहीं होती। मेरी मुलाकातें जो होती हैं, मैं तमाम हमारे पूरे सूबे सिंध के जो MPAs हैं, चाहे ख्वा उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, उनके लिए मैंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पुलिस से या मकामी तौर पर कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो आके मेरे से ज़रूर डिस्कस करते हैं। ये जो मीटिंग मैंने की थी, ये आइलैंड के हवाले से ही उनसे मैंने मुलाकात करने के लिए की थी। बहुत शुक्रिया। बात करने हैं।